दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 10 जनवरी 2021 शाम के कोई 7 बजे हैं। हम अपना वीडियो बना रहे हैं। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। दीज आर ऑल डिवाइन कमांड्स एक्सप्रेस्ड थ्रू श्री अंतरा एंड दिस मिस्टर मंगल। देखो, आज के हमारे वीडियो का विषय है ये 0.25% लोग, 0.25% लोग 135 करोड़ लोगों को मरवा नहीं दें। हमारा क्या है कि ये एक चौथा हिस्सा ये लोग 135 करोड़ लोगों को मरवा नहीं दें। दूसरा है, इसके दो हिस्से हमने किए सब्जेक्ट के, अब कोई चिंता नहीं। हम थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, अब कोई चिंता क्यों नहीं, मेरे विचार हैं ये, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, और मेरे विचार परमात्मा देता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि दीज आर डिवाइन कमांड्स। मिस्टर मंगल ऐसे बोलो, उसकी आज्ञा है। अब देखो पहला क्या है, अब जबकि कोई बाबा जी स्वामी हर्षानंद देश के मुख्य न्यायाधीश बोबड़े का नाम बेबड़े लेकर, जिसका अर्थ बताता है कि एमपी में उसको दारूड़िया या पियक्कड़ कहते हैं, बेबड़े कह के संबोधित कर सकता है। देश में एक भी आदमी ऐसा है, या ऐसे सैकड़ों हजारों होंगे, मान लिया ही वो अच्छी बात है, जबकि कोई एक बाबा जी स्वामी हर्षानंद देश के मुख्य न्यायाधीश को, बोबड़े को, उसके नाम बोबड़े की जगह बेबड़े, और उसका अर्थ बताता है कि एमपी में उसको कहते हैं दारूड़िया पियक्कड़ कह के संबोधित कर सकता है, और कह सकता है कि मिस्टर बेबड़े सुधर जाओ। यह कोई 2-4 दिन पहले का स्वामी हर्षानंद का किसान आंदोलन में यह उनका वीडियो था, यह उद्बोधन था। भाई मैं तो कहता हूँ स्वामी जी जुग जुग जियो, आपके जैसे और दूसरे स्वामी जी जैसे कि स्वामी मनमोहन या बहुत से लोग और भी हैं, यदि इस देश में चिंता है तो यहाँ अभी धर्म धीरा है, भारत भयानक तकलीफ से बच सकता है, बच जाएगा। यह आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो 2-4 दिन में पहले देखना, चैनल का मुझे नाम याद नहीं रहा। अब जबकि कोई बाबा जी हर्षानंद देश के मुख्य न्यायाधीश को, जिसका नाम बोबड़े है, की जगह बेबड़े कहकर संबोधित कर सकता है, बताता है कि एमपी में बेबड़े का अर्थ है दारू उड़ियार पियक्कड़, और ये गलती करता है, इसलिए देश रसातल को जा सकता है, मतलब ये आदमी देश को बचा सकते हैं। दूसरा देखिए, अब कोई चिंता नहीं, हम इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, जबकि यह मंगल अपनी चैनल यूट्यूब मिशन ग्रेट इंडिया पर भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट खाकर दे सकता है कि अब होगा तो ऐसा ही। जब कोई आदमी एक छोटा सा अनजाना, जिसका नाम मंगल है, अपने चैनल यूट्यूब चैनल मिसेड ग्रेट इंडिया पर भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट खाका दे सकता है, कह सकता है प्रमाणों सहित कि होगा तो ऐसा ही, और पूरा देश देखेगा कि होगा तो ऐसा ही, इसलिए चिंता नहीं। और उसने हमने बताया, स्वामी हर्षानंद ने तो चीफ जस्टिस और जजेज के बारे में अब बताया है, हम तो सालों से बोल रहे हैं कि ये भागेंगे, इनमें भगदड़ मचने वाली है। वो कहेगा कि मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट जल्दी देगो, वो कहता है मुझे दे दो, वो कहे, अब ऐसा समय आने वाला है और देखना अवश्य आएगा, ये हमारे वीडियोज में आपको मिलेगा। मतलब मेरे विचार से ये एक प्लस पॉइंट है, चाहे मेरे बारे में ही हो, क्या दिक्कत है। तीसरा नंबर देखिए,
इस देश में बहुत से अच्छे चैनल्स हैं। इन तीन और चार नंबर को हम एक साथ ही बोल देते हैं। डॉक्टर एक इसका पहले सुन लिए कि डॉक्टर विलास जगदाले, जिसका हेडिंग है वीडियो का, बर्ड फ्लू एंटीजी बट 5G साइड इफेक्ट। 3 मिनट 29 सेकंड का ये वीडियो है, आज मैंने सुना है। इनके वीडियो जो अद्भुत होते हैं, आप भी सुनो इसको, तो आज ज़रूर सुनना। मैं अभी शाम को कोशिश करूँगा इसको सभी मेरे व्हाट्सएप से जुड़े उनको भेज दूँ और मेरे फेसबुक पर भेज दूँ। आज के जो वीडियो है, इनके ऐसे बहुत से वीडियो आते हैं और ये असली बताते हैं कि भाई देश में क्या क्यों कैसे हो रहा है। कृपया आप इसको अवश्य देखें। डॉक्टर विलास जगदाले चैनल का नाम और हेडिंग है बर्ड फ्लू एंटीजी बट 5G साइड इफेक्ट। भयानक तस्वीर पेश करते हैं तो करते हैं, इनका आकलन ऐसा ही है, हमें देखना चाहिए कि ऐसा, अवश्य देखें आप आज ही। चौथा नंबर देखिए, ये हम क्या बोल रहे हैं कि अब कोई चिंता नहीं, अब जबकि ऐसा हमारे देश में है। चौथा नंबर देखिए, YouTube पर अभी स्वामी मनमोहन सिंह जी, ऊपर हमने कहा स्वामी हर्षानंद जी, रविश कुमार, शंभू कुमार, डॉक्टर जगदाले, BRC, राइजिंग राहुल, वामन मेश्राम, पुण्य प्रसून वाजपेयी और बहुत से हस्तियां अभी जिंदा हैं जिनकी आवाज़ अभी आती है, तो अभी भगवान शायद देश की रक्षा कर जाए। वैसे संभावना है कि अभी ये गफलत आगे बढ़ने पर हो सकता है इमरजेंसी हालत ज़्यादा आ जाए और इन लोगों की आवाज़ बंद कर दी जाए। अब कोई चिंता नहीं, अब क्योंकि जबकि YouTube पर ये लोग हैं, हमने ये सारे बताए, आप देख सकते हैं। अब ये 6 नंबर पहले लिए, 5 को मैं बाद में लूँगा, मैंने यह लिख दिया। ये असल में तो यह 6 नंबर, 5 नंबर यह है, 6 को मैं अभी लूँगा, समस्या की असली जड़। अब जबकि 5 नंबर देखिए, अब जबकि किसान आंदोलन शुरू हो चुका है, हम इसी बारे में बता रहे हैं कि अब कोई चिंता नहीं, अब जबकि किसान आंदोलन शुरू हो चुका है। भाई इसमें ऐसा क्या है जो देश की रक्षा करेगा? इसमें ऐसा बहुत कुछ है जो देश की रक्षा करेगा। यह देश की रक्षा कैसे करेगा? देखिए, अब जबकि किसान आंदोलन शुरू हो चुका है, अब इस आंदोलन को क्या है कि किसान लोग कहते हैं कि हमारा आंदोलन है, देखो हमने किया है, और इसमें बाकी का और तबका जो है इसके साथ SC ST और OBC, ये सब समझ रहे हैं कि भाई ये तो सबके भले के लिए है, ये भी उसमें शामिल हैं। और इसको जो हायर ग्रुप है, सवर्ण ग्रुप जिसको हम कहते हैं, वे कहते हैं कि भाई देखो ये हमारा आंदोलन तो नहीं है, लेकिन हमारे विरोध करने से ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने इसका विरोध नहीं किया तो हम तो तबाह हो सकते हैं, रूलर ग्रुप। और इसमें देखिए कि इसमें भगवान कह रहा है कि भाई ये आंदोलन तो मैंने शुरू किया है, इस तरह की आइडियोलॉजी को हम प्रोपोगेट करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि ट्राइंगल के अनुसार काम होता है, इसके एक पॉइंट पर बैठा रहता है ईश्वर, दूसरे पर सारे जनमानस अलग अलग, तीसरे पर बैठे रहते हैं देश, नेशन, कंट्री, नेशन, सरकार इत्यादि। इसमें सभी का योगदान है, कोई भी एक्टिविटी देश में चलती है जो, और इसमें ईश्वर का देखिए क्यों योगदान है और क्यों उसके सारी प्लानिंग है। भारतीय समाज की संरचना यह है, ये होमोजीनियस नहीं है, जैसा कि हम होमोजीनियस में पहले आपको बताते रहते हैं कि यदि ये भारत का ऐसा होता, ये ऐसा होता तो ये होमोजेनियस होती, या छोटे भी होते बड़े होते हैं, लेकिन ओवरऑल ये होमोजेनियस
होमोजेनियस होती, जाति व्यवस्था ने इसको ऐसा बना दिया है कि ये हेट्रोजीनियस है, यह अपर ग्रुप है, यह ओबीसी ग्रुप है, ये लोअर ग्रुप है, ये लोअर ग्रुप समझ लो 25%, ओबीसी 50% और ये अपर ग्रुप में 25% मान लीजिए, जिसमें 15% सवर्ण प्लस 10% आप अपर ग्रुप में उनको मान लीजिए जो या तो अपर ओबीसी ग्रुप्स के पैसे वाले हैं या जिनकी नौकरी इत्यादि लगने के बाद कोई धंधा चमकने के बाद इस ग्रुप में शामिल हो गए कि हमें तो चिंता ही क्या। और इसमें भी इन 15% या फिर 100% लोगों में से 0.25% ये लोग हैं, देखिए ये 0.25% ये लोग हैं जिनके हाथ में सारी सत्ता। इसमें बड़े बड़े एक्टर, क्रिकेटर, पैसे वाले, सेठ लोग, बड़े बड़े धर्माध्यक्ष हैं, बड़े बड़े जिनके नेता हैं, जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है और जो इस देश को चलाते हैं। देश अपने हिसाब से कैसे चलना चाहिए, लेकिन ये 0.25% लोग इसको ऐसे चलाना चाहते हैं। और जिनका स्टेटस दूसरों के बनिस्बत इस तरह का है, अभी हम इसको बताते हैं। भारतीय समाज ऐसा है और ये हेट्रोजीनियस की वजह से इसमें बड़ी एनोमलीज हैं। इसमें जो अब इसको क्या करना चाहता है कि ईश्वर इसको सेट करना चाहता है, होमोजेनियस बनाना चाहता है, जैसे कि सारी दुनिया के और समाज हैं, छोटे बड़े अमीर गरीब होंगे, लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होगा, इस तरह का बनाना चाहता है। उसकी एक प्लानिंग है, हम बताते हैं और हमें बताते हैं कि हमें वो लगभग ऐसे ही संकेत देता है कि ऐसा है। अच्छा, हम ये बताते हैं, देखो कोई सी भी चीज़ में ईश्वर अपनी प्लानिंग के अनुसार काम करता है। लोग समझते हैं कि हम अपने अनुसार करते हैं और राष्ट्र और देश के नेता समझते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, अब जब ये ऐसा हो रहा है तो हम ईश्वर के उसमें आपको बताएं कि जैसे ये किसान आंदोलन चला तो ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, परमात्मा इससे एक बड़े काम कराना चाहता है। यह सिर्फ जो किसान आंदोलन का है, हम समझ लो कि मान लो इसमें ज़्यादातर योगदान ये इस ग्रुप के किसानों का है। ये जो 25-30% ओबीसी में भी अपर क्लास और किसान लोग जो वे लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास समय है, उनके पास शिक्षा भी है और वे इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ भी बहुत से लोग किसान हैं लेकिन गरीब लोग क्या करें, कहाँ जाएं भाई, कितना पैसा खर्च करें, घर का धंधा छोड़ेंगे, बच्चों को खाना कैसे मिलेगा इत्यादि इत्यादि। लेकिन चूँकि ये 25-30% की वजह से सारे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और ये बड़ा आंदोलन बन गया। यह बड़ा आंदोलन ईश्वर ने बनाया है और इसमें रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहे, क्योंकि इसमें देश के जो कर्णधार हैं जिन्होंने गलत काम किए हैं उनकी बुद्धि को तो भ्रष्ट कर रखा है और इनको जिद पर कर रखा है, क्योंकि और वो चाहता है कि ये ज़्यादा चले, जैसा हमने पहले बोला है, ये ज़्यादा चलकर मोमेंटम ज़्यादा ले जिससे कि देश की सारी समस्याएँ एक साथ उठे। 3 किसानी बिल्ली नहीं, EVM, पुलवामा, CAA, राफेल, कोरोना कांड, प्राइवेटाइजेशन, हम पहले ही कह चुके हैं कि इस आंदोलन को सफलता जब ही मिलेगी अच्छी वाली, जबकि इसमें सारा ओवरऑल इसको टोटल रिवॉल्यूशन बनाया जाएगा और दूसरे पॉइंट भी इसमें शामिल किए जाएंगे कि ऐसा ऐसा है, इसलिए कि ईश्वरीय वरदान है। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट स्वीकार कर लो, 3 बिलों को लोग गवर्नमेंट स्वीकार कर ले, लेकिन उनको पता नहीं कि पूरे देश के लिए एक वरदान है जो अभी स्वीकार नहीं किए जा रहे। यदि यह तुरंत स्वीकार कर लिए जाते और ये लोग ऐसे सरकार ऐसी होती तो ये देश के लिए बड़ा भयानक होता और ये एक बड़ा रूप ले ही नहीं पाता। उन्होंने कहा कि हमारे दे दो, ये कहते ये लो, फिर सारा प्रोग्राम ऐसे ही ऐसे होता। अब परमात्मा क्या करेगा, पूरे देश का ढांचा चाहे भसोट हो, चाहे हाहाकार मचे,
चाहे क्या हो, लेकिन वह सबको न्याय देगा, देखना वो ऐसा ही करेगा। और हम अपने संभाषणों में यही बोलते रहते हैं। और इसमें देखिए, ये जो 0.25% जो हमने लोग बताए, ये लोग हैं दुकानदार। चाहे उनकी दुकानदारी चाहे मठाधीश पने से चलती हो, चाहे वो नेतागिरी से चलती हो, चाहे बड़े बड़े उद्योग धंधों से चलती हो, या फिर क्रिकेटर और ये बड़े बड़े अभिनेता बन गए, अरबों खरबों का कमा लिया, लेकिन ये दुकानदार हैं। इनको देश से कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है, इन्हें तो पैसे चाहिए। इन सब के बंगले पहले ही बने हुए हैं और सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ इनके अलग अलग अपनी अपनी औकात के अनुसार इनकी जमा हैं। तो ये जो लोग हैं, इनके बारे में हमने ये दूसरी इसमें कहा है कि ये 0.025% लोग 135 करोड़ लोगों को मरवा नहीं दें, क्योंकि ये एंगल बड़ा भयानक है और ये लोग नहीं समझ रहे। ये लोग नहीं समझ रहे कि ये चक्कर क्या है। ये बड़े बड़े लोग इनको भी मरवा सकते हैं, क्योंकि होने को तो ये इनके शुभचिंतक हैं, इनके ग्रुप में से हैं। लेकिन कल को पासा पलट गया। कल को यदि सीए किसानी बिल, राफेल, ईवीएम के स्कैंडल सामने आ गए हैं, तो ये लोग तो भागेंगे। फिर लोग ये देख इसमें बुरा होगा कि भाई ये इनके सपोर्टर तो ये हैं। देखो, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं सबको जागृत करना चाहता हूँ, इसलिए सभी को समझना चाहिए। और सुनो, ये जो आज जो चल रहा है, ये बड़ा भयानक रूप लेगा, क्योंकि बिना भयानक ताके मेरे विचार के अनुसार यहाँ रिजल्ट नहीं निकल सकते। और जो ये लोग आज कह रहे हैं कि हम 10% को 10% जनरल रिजर्वेशन और दे दिया, हमारे सारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारे सारे वाइस चांसलर, हमारे सारे सेक्रेटरी, हमारे राष्ट्रपति सचिवालय में सारे, हमारे प्रधानमंत्री सचिवालय में हमारे, NIM हमारे हमारा होल्ड है, हमारे सारे जनरल्स हमारे। ये भूल जाते हैं कि इनके लिए सबसे भयानक चीज़ यही है कि इन्होंने ये सारा कब्जे में कर लिया, क्योंकि जैसे ही समय बदलेगा यही चीज़ इनके लिए भयानक सिद्ध हो जाएगी। ये इस बात को भी समझ नहीं रहे कि मोटा पेट बना लो, मोटा शरीर भारी बना लो, उसमें आप कुछ भर लो, लेकिन जब भगदड़ मचेगी तो फरार लोग, पतले लोग आप भाग जाएंगे, और जिन लोगों को मोटे पेट वाले नहीं भाग सकेंगे। ये संसार अद्भुत है और ये बड़ा सिंपल है, हम इस बात को कहते ही रहते हैं। और सुनो, जैसा हम 6 नंबर में हमने ये बोला था कि समस्या की जड़, की असली जड़ वह यही है, समस्या की जड़ वो असली जड़ यही है कि भाई ये सीए ये वाला झगड़े की जड़ है, भाई राफेल झगड़े की जड़ है, भाई ये जो है ये अब किसानों की झगड़े की जड़ है, ये राम मंदिर झगड़े की जड़ हुआ। लेकिन झगड़े की जड़ युवा नहीं है, झगड़े की जड़ है ये ऊँच नीच, और जो हजारों साल से, और वो इतनी भयानक, और इसका नाम है जातिवाद, इसका नाम है असमानता, और यही झगड़े की जड़ ज़्यादा रूप लेगी। अभी ये यदि किसानी बिल को देख कर सुलझा भी लें तो भी नहीं सुलझ सकता, या तो यही भयानकता को का रूप लेगा, वरना और कोई इशू निकलेगा, देखना। क्योंकि हमें इलाज तो पूरे शरीर का करना है, सिस्टम का करना है, ऐसा नहीं कि गुजरा है 50-60 आदमी मिल गए, ये लो जाट आए भाई तुम भी, ये लो भाई ये फलाना आए तुम भी लो। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। हम ये बोलते ही रहते हैं